वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो पे रिव्यू देने वाला हूँ कॉस्मिक बाइट अल्फा गेमिंग माउस का। तो ये माउस मैंने लिया 949 रुपीस पे सितंबर 2019 पे। तो ये 1.5 ईयर हो गया अराउंड, और इसका लेने का एक ही रीज़न था कि मैं पहले वायरलेस माउस यूज़ करता था, और मैं जब पबजी लाइट खेलता था तब मुझे समझ में आ गया कि गेमिंग माउस का ज़रूरत है, और उससे काम नहीं होता था, उसमें DPI भी चेंज नहीं होता था और उतना प्रिसाइज नहीं था। तो ये माउस मैंने लिया, इसका DPI मैं आपको दिखा रहा हूँ। DPI एक बार देख लीजिए, इसको आप 200 से 5000 कर सकते हैं, और यहाँ पे 5 ऑप्शन है, मतलब 5 स्टेप DPI है इसका, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। DPI को एक बार देख लीजिए, आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं किस में कितना देंगे। तो इसका ये अच्छा फीचर है इसका DPI फंक्शन का, अभी देख लीजिए। इसका DPI के साथ इसका जो कलर है ये चेंज होता है, जो RGB का ये सब कलर है, और ये साइड में आप अलग से कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कलर्स फुल स्ट्रीमिंग में है, और यहाँ पे आप सब कलर पे दे सकते हो। यहाँ पे जैसे नियॉन में है, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, मतलब एक एक चेंज हो रहा है। अगर आप कलरफुल स्ट्रीमिंग में देते हो तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ARGB वाला इफेक्ट मिल रहा है। अगर आप लाइट ऑफ करते हो तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका लुक कैसा आ रहा है। तो मैंने ये चीज़ के लिए लिया, यहाँ पे ज़्यादा RGB का इफेक्ट था, मतलब ऊपर नीचे साइड में, मतलब बोर्ड साइड में इसका RGB का इफेक्ट है। और यहाँ पे DPI का 2 बटन है, यहाँ पे देख लीजिए, आप इसमें अप डाउन कर सकते हैं, सिंगल बटन नहीं है, और साइड वाला बटन को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसका, आप ये सब ऑप्शन मिलेगा आपको, वॉल्यूम डाउन क्लिक को आप ये सब में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको मल्टीमीडिया के लिए यूज़ किया, तो इसमें ज़्यादा ईजी होता है वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। तो मैं पहले गेम खेलता था, अभी खेलता भी नहीं हूँ इतना, और GTA 5 कभी कभी खेलता हूँ बस। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मुझे सबसे अच्छा लगा कि उसमें मैं जब इलस्ट्रेटर में काम करता हूँ तब इसमें DPI चेंज अप डाउन करके मैं इसमें कर सकता हूँ। सो गाइस, अभी आते हैं कि मैंने ये माउस क्यों लिया। बाज़ार में बहुत सारा माउस था, जैसे HP का था और लेनोवो लीजेंड था, तो वो सब माउस में सेंसर और स्विच मेंशन नहीं था। तो एक रियल गेमिंग माउस होने के लिए उसमें ऑप्टिकल सेंसर होना चाहिए, जो एक कैमरा टाइप का सेंसर होता है, जो पिक्सर सेंसर है इसमें, और ओमरन स्विच है। तो ये नॉर्मल स्विच नहीं है और थोड़ा कॉस्टली होता है ओमरन स्विच। तो ये सेंसर और स्विच इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और होता है उसका ग्रिप। तो इसका वो ग्रिप इतना भी कुछ खास नहीं है। तो वो सब माउस मैंने एक बार यूज़ किया था लेनोवो का लीजन, उसमें सेंसर भी अच्छा नहीं था, और अगर सस्ता सेंसर होता है तो वहाँ पे लोएस्ट DPI और हाईएस्ट DPI में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे 200 है लोएस्ट, तो एक सस्ता गेमिंग मतलब डुप्लीकेट गेमिंग माउस पे 200 DPI कभी नहीं जाता, वो 800 से ही होगा मिनिमम होने से। और गाइस, जो मार्केट में रियल गेमिंग माउस होता है, जो अच्छा ब्रांड का होता है, जिसका पहले से ही नाम है, जैसे कॉर्सियर, रेजर, स्टील सीरीज, तो वो सब माउस पे मैंने देखा था ये पिक्सर सेंसर यूज होता है और ओमरन स्विच यूज होता है। यहाँ पे जो ये सब क्लिक स्विच होता है, तो इसमें भी सेम स्विच था। तो मैं पहले डाउट किया था कैसा होगा प्रोडक्ट, और मुझे क्वालिटी भी इतना ठीक ठाक नहीं लगा। जब 1.5 साल हुआ तो अभी देख लीजिए, पूरा ठीक ठाक है माउस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एकदम परफेक्टली काम करता है। और अभी आते हैं इसका साइज पे, इसका टोटल लेंथ कितना है देख लेते हैं। तो इसका टोटल है 12 सेंटीमीटर। तो अगर आपका हाथ एक छोटा हाथ है तो इसमें प्रॉब्लम होगा आपको, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कॉर्सियर हार्पून पे चला जाइए, एक 1200 का रेंज में आता है छोटा साइज का, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, तो उस पर जा सकते हैं। नहीं तो स्टील सीरीज का भी एक लिंक दे दूँगा। तो इसको चलाने के लिए आपका हाथ मीडियम नहीं तो बड़ा होना चाहिए, तो मेरा हाथ मीडियम है, मीडियम से कम ही है, तो मेरा हो जाता है इसमें, मुझे बड़ा बड़ा फील होता है ये माउस। तो मतलब बड़ा हाथ होने से इसको एकदम परफेक्ट होगा, और इसका वायर भी ब्रेडेड है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है, तो ये सस्ता गेमिंग माउस नहीं है, जो सस्ता गेमिंग माउस होता है उसमें ही लाइट होता है। तो गाइस, अभी मेन कंक्लूजन पे आते हैं कि ये माउस को आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस, अगर कम में मिलता है तो ले लीजिए, तो ये दूसरा माउस से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसमें स्विच भी अच्छा है, जैसे मैंने बोला ओमरन स्विच है, पिक्सार्ट का सेंसर है, और छोटा हाथ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और हाथ बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका क्वालिटी भी अच्छा है, देख लीजिए, कुछ भी अभी तक डैमेज नहीं हुआ। और अगर आपका पास ज़्यादा पैसा है तो आप अच्छा ब्रांड पे जा सकते हैं, जैसे रेजर, स्टील सीरीज, वो सब में अगर आपको सॉल्व करना है तो
तो मैंने भी जब ये माउस लिया था, बहुत लोग बोला क्या इंडियन प्रोडक्ट लिया, क्या चाइना माल लिया, तो ऐसे करके सब लोग बोलते हैं। सब लोग ही बोला था कि कॉर्सियर स्टील सीरीज पे क्यों नहीं गया, तो ऐसे लोग बोलते हैं। मतलब शो ऑफ थोड़ा कम होता है अगर ये सब प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते हैं तो, इंडियन जैसे चाइनीज़, मगर ये ठीक ही है। तो मैंने इतना यूज़ किया, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।